गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग एक और नई जगह पे जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो सीक्रेट रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं, जाने के बाद पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15, तो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मैं हो गया बिल्कुल तरह से रेडी, चलिए फिर चलते हैं। बाइक को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था और क्लीन भी कर दिया इसको। ये आप लोग देख सकते हो, ये नया नया निर्माण किया गया, नया नया बना है अभी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका परिसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा दूर में भी फैला हुआ है। तो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लड़के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग को जाना है इधर, चलते हैं फिर। गौरी के दर्शन करने माता का, तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो यही उनका द्वार है। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं आपको माँ का मंदिर। तो ये कुछ संकरा रास्ता है जाने का, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा संकरा है। मैं भी बहुत दिन से गया में रह रहा हूँ, तो अगर गया में और कुछ आप लोग को देखने का मन हो तो बताइएगा कमेंट करके, मैं वहाँ भी जा करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं काफ़ी दिन से भी गया में ही रह रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप लोग आकर के प्रसादी या मिठाइयाँ कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। और ये कुछ रास्ता है जाने का, पहाड़ पर माँ का स्थित है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जाने के लिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से। काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये, तो एक बार गया आइएगा तो आप लोग भी ज़रूर रहिएगा घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा कि गया में आप लोग कौन कौन सा जगह देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है और इधर में कुछ दुकानें बनी हुई हैं। नहीं नहीं थैंक यू। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिठाई का दुकान है, ये लोग यहाँ पे मिठाई का दुकान है ये सब। यहाँ से भी आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, दुकानें काफ़ी सारी बनी हुई हैं। मैंने पहले ही प्रसाद ले लिया है वहीं से जहाँ पे मैं अपना गाड़ी लगाया हूँ। और इधर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये बनाया गया है यहाँ पे कतार में लगने के लिए लोग। अभी तो भीड़ नहीं है कोविड के कारण, कोविड को लेकर के। तो मैं अभी आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे यही है माँ का मंदिर और ये यहाँ पे जाने का रास्ता है पीछे से, यहाँ से हम लोग जा सकते। तो हमने प्रसाद ले लिया है, तो अब चलते हैं माँ के मंदिर में और दर्शन करते हैं। ये रास्ता है, घूम घूम कर जाना है, यहाँ से भी टर्न करेंगे ऐसे। और आप लोग देख सकते हो ये माँ का मंदिर है। चलते हैं, सभी लोग लाइन में खड़े हैं तो हम भी लाइन में खड़े जाते हैं। लाइन
काफ़ी ज़्यादा लंबी है, सभी लोग लाइन में लगे हुए, मैं भी लाइन में लगा हूँ। अब हमारी बारी आने वाली है तो बने चलते। दर्शन कर लिया है, अब हम चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं गया में हूँ तो आप लोग बताइए गया में और कौन कौन सा जगह आप लोग को देखना पसंद है, मैं वहाँ पर जा करके वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ये रास्ता आने का, तो हम लोग अभी चल रहे हैं घर की ओर। ये रास्ता है आने का, काफ़ी ज़्यादा पतला संकरा रास्ता है। अभी एक्चुअली भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम है। जब दशहरा का टाइम होता है ना, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे, उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और एक्चुअली अभी क्या है कि कोविड का समय है, तो इसलिए भी थोड़ा सा भीड़ कम है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो अभी भीड़ कम है, अभी आप आ करके घूम सकते हैं। और गर्मी के दिन में एक्चुअली क्या है कि पहाड़ पर है और गया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो जो पत्थर है वो पूरा हीट हो जाते हैं। और चप्पल पहन कर आप जा नहीं सकते तो चलने में प्रॉब्लम होगी। तो हम कहेंगे कि आप बरसात हो या फिर जाड़ा हो, उस टाइम आइए और यहाँ पे आकर दर्शन कीजिए, क्योंकि दशहरे के टाइम में काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे उस समय। आप लोग देख सकते हैं माँ मंगलागौरी का द्वार है, हम यहीं से अभी दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ से दर्शन करके अभी जा रहे हैं। और यहाँ से हमने प्रसाद लिया था और इन्हीं के पास हमने गाड़ी वहाँ पर खड़ा कर दिया था। अगर आप बाइक लेकर के आते हैं तो यही दुकान पे आप लोग खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ बाइक चोरी होने का डर होता है। तो हमारा बाइक यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। मंगलागौरी दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा सोचे कि चलते हैं गांधी मैदान, देख लेते हैं कैसा है। बहुत दिन से यहाँ पे आया हुआ हो गया था, तो सोचे कि चलते हैं एक बार देख लेते हैं कैसा है और आपको भी दिखा देते हैं। अभी पहले से बहुत ज़्यादा इसका बुरा स्थिति है, गांधी मैदान का बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गया है। उधर में शायद में भी लहासा मार्केट लगा हुआ है और कहीं कहीं पे गड्ढे बने हुए हैं। और जो बीच में पार्क बना हुआ है उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा स्थिति है। जिस टाइम मैं पहले एक बार आया था उस टाइम बहुत ज़्यादा हरियाली था और अच्छा देखने में भी लग रहा था, अभी उस टाइप का नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे यही पार्क है और मैं इसी में भी आया हुआ हूँ। और इसका कंडीशन आप लोग देख सकते हो, ये सब पहले से पूरा हरा भरा दिखता था और इसमें घास लगाया हुआ था, लेकिन अभी के डेट में वो सब सारा ख़त्म हो चुका है और बहुत एकदम गंदा दिख रहा है। और वहाँ पे कुछ बना हुआ है, पता नहीं मैं भी क्या बना हुआ उसके बारे में मुझे पता नहीं इतना। तो अभी थोड़ा देर बैठेंगे और बैठने के बाद फिर चलेंगे हम लोग घर की ओर। और बाहर भी आपको दिखाते हैं कि बाहर में क्या 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 चीज़ें हैं। बाहर में लहासा मार्केट लगा हुआ दोनों साइड में भी लगा हुआ है और इस साइड में भी लगा हुआ है। बाइक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है और वहाँ पे लहासा मार्केट है, वो आपको दिख रहा होगा। और इस साइड में भी बना हुआ है लहासा मार्केट, वहाँ पर ये दो जगह में बना हुआ है। और मैं अभी इसमें बैठा हुआ था पार्क के अंदर में, इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसका भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे इसमें पत्थर ऐसे ही फेंके हुए हैं और इधर में भी वैसा ही कंडीशन है, पूरा एकदम गड्ढा गड्ढा बना हुआ है हर एक जगह पे। तो अब पहले वाला गांधी मैदान नहीं रह गया है, ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और ये स्टेडियम ये भी टूट गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेंसिंग किया हुआ है चादर से लोहे के, पहले वो पूरा ईंट का बना हुआ था रेड कलर का, तो ये भी टूट गया है। बिहार सरकार मरम्मत नहीं करवाए जिसके कारण ये सब देखने को हम लोग को मिला। पहले जब मैं आया था तो ऐसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में था। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मैं अभी गया में हूँ तो अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं गया में, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो देखने लायक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चीज़ आपको देखना है, मैं जा करके वहाँ वीडियो जरूर से जरूर बनाऊँगा आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।